हेलो गाइस गाइस, मोदी जी के आने के बाद जो है, जब से डिजिटल इंडिया बनाने का ये प्रोसेस चला है, हर एक बंदे का जो है अपना बैंक अकाउंट जो है, और अगर हर एक बंदे का नहीं है तो हर घर में जो है आज एक बैंक अकाउंट है किसी ना किसी फैमिली मेंबर का। ऐसे केस में जो बैंक होता है वो अपने कस्टमर को एक एटीएम या डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत से जो नए यूज़र है उनको जो है पता नहीं है एटीएम डेबिट या क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। जो पुराने लोग हैं उनको भी, बहुतों को नहीं पता कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से जो है इनको यूज़ किया जा सकता है। और इन तीनों के साथ ही बैंक जो है अलग अलग बेनिफिट भी देता है, अलग अलग तरीके से यूज़ करने की जो है सहमति जो है बैंक देता है, किस तरीके से जो है आप इनको यूज़ कर सकते हो, क्या इनमें डिफरेंस है, इस बात का जो है आपको क्लियर जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हर रोज़ जो है मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक होता है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड जो है आपके बैंक से ही लिंक होता है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है उतना पैसा जो है आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एटीएम कार्ड के ऊपर जो है रुपए, मास्टर कार्ड या वीज़ा कुछ ऐसा लिखा नहीं होता। ये एक सिंपल कार्ड होता है और इसका यूज़ भी आप सिर्फ जो है अपने एटीएम से पैसा निकालने के लिए ही कर सकते हो। आपके एटीएम में, आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप जो है कैश निकाल सकते हो। उसके लिए भी एक लिमिट होती है जो बैंक देता है कि आप इस एटीएम कार्ड से जो है इतने रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतने रुपए जो है आप कैश निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों एटीएम कार्ड। इसके बाद आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में दोस्तों ऊपर लिखा होता है मास्टर, वीज़ा या फिर रुपए। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि एक तो इसके साथ एटीएम के साथ भी हालांकि इंश्योरेंस आता है और डेबिट कार्ड के साथ भी इंश्योरेंस आता है, कितने रुपए का इंश्योरेंस होता है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है उसके लिए भी मैं जो है अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन डेबिट कार्ड का अलग से बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आप इसको एटीएम से पैसे निकालने के साथ साथ जो है किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी बैंक में, किसी सॉरी किसी शॉप में या फिर मॉल वगैरह में, जैसे जिसके पास स्वैप मशीन होती है तो वहाँ पे आप इस कार्ड को स्वैप करके भी जो है पेमेंट दे सकते हो। एटीएम कार्ड को आप स्वैप नहीं कर सकते, उसे सिर्फ आप जो है अपनी कैश पेमेंट ही निकाल सकते हो, और डेबिट कार्ड से जो है आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बहुत से लोगों के पास होता है और बहुत से लोगों को जो है नहीं, के पास जो है नहीं होता, या बहुत से लोगों को जो है बैंक प्रोवाइड नहीं करवाता, और बहुत से लोगों को जिनको प्रोवाइड करवाता है उनको एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो देता है अकाउंट खुलने के बाद, जब उनका जो है सारे अकाउंट समरी जो है बैंक देखता है, एक प्रॉपर अकाउंट उनका मेंटेन है, तो उनको जो है क्रेडिट कार्ड के लिए जो है बैंक उनको जो है ऑफर देता है कि आप क्रेडिट कार्ड जो है ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड में होता क्या है दोस्तों, एक स्टार्टिंग में जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, पहला क्रेडिट कार्ड, उसमें जो है बैंक आपको एक लिमिट देता है कि इतने लिमिट तक का जो है पैसा आप यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का मतलब आप, ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है, इसका जो आपका बैंक का अकाउंट होता है उससे इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इसमें आप जो है बैंक से उधार लेते हो, आपका जो पर्सनल अकाउंट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें आप अगर सपोज कीजिए आपके जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक ने 50,000 रुपये की दी है, तो 50,000 रुपये आप अपने अपना जो आपका बैंक अकाउंट है उसके अलावा जो है 50,000 रुपये आप अलग से यूज़ कर सकते हो, और वो पैसा देने के लिए भी बैंक आपको एक टाइम पीरियड देता है कि इतने दिनों में आपको ये पैसा वापस करना है। ये टाइम पीरियड जो है 30 दिन से लेके 60 दिन तक का हो सकता है। तो साथ ही क्रेडिट कार्ड से दोस्तों आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसी टाइम पीरियड के दौरान ही आपको जो है वो पैसा देना पड़ेगा जो बैंक ने टाइम पीरियड आपको दिया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से आप जो है कैश पेमेंट नहीं विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी एटीएम से या किसी भी बैंक से जो है आप कैश जो है विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप इसको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हो। एटीएम और डेबिट कार्ड पे भी आजकल जो है काफ़ी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी बैंक देता है, या कैशबैक ऑफर भी जो है बैंक के आजकल आते रहते हैं। एटीएम या डेबिट कार्ड से जो अगर आप स्वैप करते हो कहीं पे या पेमेंट करते हो तो उस केस में बैंक आपको कैशबैक ऑफर देता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे आपको सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट ही मिल पाता है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में जो है क्रेडिट कार्ड का स्वैप करते हो तो उस केस में आप जो है अपनी ईएमआई वगैरह बनवा सकते हो, अगर आप टाइम पीरियड के दौरान उस अमाउंट को चुकाने में जो है कैपेबल नहीं हो, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप क्रेडिट कार्ड का अमाउंट चुकाने के लिए कैपेबल नहीं हो, तो उस केस में जो है क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भी बैंक जो है काफ़ी
हाई चार्ज करता है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ काफ़ी सोच समझ के कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो होता है वो क्रेडिट कार्ड पे ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इन तीनों विषय के बारे में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। साथ ही किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आपके सजेशन, आपके सुझाव जो भी कुछ है मेरे चैनल को जो है आगे ले जाने के लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो ऐसे केस में जो है आप मेरे वीडियो को जो है शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।